हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स की गुलमोहर बुक जिसमें अभी हम कौन सा यूनिट देख रहे हैं इलेवेंथ यूनिट द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ विंटर ओक रिटन बाय यूरी नैगबिन अब इसका एक्सप्लेनेशन हम हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें कवर कर चुके हैं इफ़ यू हैवन चेक इट येट देन गो एंड चेक इट so in that case क्या होगा at least when you are through with the story तो अब जब हम question answers करने वाले हैं exam solutions करने वाले हैं it won't be any like difficult for you you will find it very easy questions बहुत आसान है even grammar part भी बहुत ज़्यादा आसान है so do not worry about anything let's begin with the summary एक summary लेते हैं quick summary और उसके बाद हम question answers से start करेंगे so Anna Vasilevna इज़ यंग रशियन स्कूल टीचर ये एक यंग रशियन स्कूल टीचर हैं हु लाइक्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन उनको ऑर्डर और डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है वाई शी इज़ टीचिंग अ लेसन ऑन नाउंस, शी इज इंटरप्टिड बाई अ बॉय कॉल्ड शावकिन हु इज़ ऑलवेज लेट टू लेसन्स अब उन्होंने अपनी क्लास में वो एशी एंटर द क्लास शी स्टार्ट टीचिंग नाउंस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं नाउंस पढ़ते हैं तो उन्होंने नाउंस पढ़ाना जैसे ही स्टार्ट करा ही था लेकिन तभी उनके रिदम को ब्रेक किसने किया शावुशकिन ने जो कि क्लास में लेट आया था The lateness and his behavior in class irritates Anna, and so she decides to walk home with Shavushkin so that she can speak to his mother. अब वो हमेशा late आता था plus उसका जो behavior था class में उसने Anna को बहुत irritate किया हुआ था even जो previous teachers थी वो भी काफ़ी परेशान थी तो she decided that he she will go with him और वो उसकी mother से discuss करेंगी They take a they take a shortcut through the forest and Anna realizes that she is transported into another world an enchanted world of peace and silence तो वो एक शॉर्टकट लेते हैं फॉरेस्ट के थ्रू जाते हैं और एना को रियलाइज़ होता है जैसे कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गई है एक ऐसी इंचांड एक मैजिकल दुनिया जहाँ पे हर जगह पीस है और साइलेंस है The walk through the forest helps Anna to view things in another light. और ये जो एक छोटा सा वॉक वो लोग लेते हैं तो ऐसा लगता है एना रियलाइज कि अब वो चीज़ों को एक अलग नजरिए से देखने लग गई है एंड हर ब्लैक एंड वाइट परसपेक्टिव ऑफ़ द वर्ल्ड इज चेंज जो वो हर चीज़ को इधर ब्लैक और वाइट देखती थी या तो होता है या तो नहीं होता है तो मतलब उसके लिए चीज़ें बहुत ही ऑब्वियस थी अब ऐसा नहीं था ना शी रियलाइज

okay now this was the summary of our chapter now we will start with the question answers pera question hai hamari samny why did anna vasilevna swap lessons with the geography teacher अब हमें ये पता है कि एना ने जोग्राफी टीचर के साथ क्यों चेंज किया क्यों सोअप किया था क्योंकि जोग्राफी टीचर ने बोला कि एक तो उनसे स्टूडेंट्स हैंडल नहीं हो रहे फर्स्ट लेसन्स उनके लिए बहुत डिफिकल्ट जा रहे हैं प्लस शवश्कन हमेशा लेट आता है सो शी वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल सो एना डिसाइडेड दैट शी विल ज़्यादा मेक द क्लासेज क्लास वेरी इंटरेस्टिंग और वो जो स्टूडेंट्स को संभाल लेगी सो so इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे Anna swapped lessons with the geography teacher because she found it difficult to cope with the noise. क्यों क्योंकि क्यों, जो ज्योग्राफी टीचर थी शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द नॉइस तो पहली प्रॉब्लम उन्हें नॉइज से हो रही थी इन अटेंटिव प्यूपल्स प्यूपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स मतलब जो बच्चे सुनते नहीं हैं एंड शवश लैक ऑफ पंक्चुअलिटी वो हमेशा लेट आता था सो अर् इन द मॉर्निंग सो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स रियली इरिटेटेड हर एंड अनॉयड हर एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक द क्लास सो दैट इज़ वाई शी स्वैप्ड विद एना सिंपल आंसर एक है नॉइस दूसरा है इनअटेंटिव प्यूपल्स और थर्ड है कि जो शवश्किन शौश, है वो हमेशा लेट आता था तो ये तीन रीजंस थे जिसकी वजह से ज्योग्रॉफी टीचर ने आना के साथ स्वैप कर लिया था स्वैप मतलब क्लासेस एक्सचेंज कर ली थी ओके वट मेड एना थिंक दैट शावकिन वॉज अ डिफिकल्ट बॉय एना ने सोचा ये तो बिल्कुल जो है डिफ़िकल्ट बॉय है डिफ़िकल्ट बॉय मतलब क्या मुश्किल लड़का डिफिकल्ट बॉय मतलब जो ईजीली समझा नहीं सकते जिसको एना थाट दैट शावशकिन वॉज अ डिफिकल्ट बॉय बिकॉज नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड मतलब कितनी भी वो ज़्यादा ट्राई कर ले कितने भी अच्छे से वो ट्राई कर ले शी कु नॉट गेट हिम टू टेल हाउ वट शी बिलीव्ड टू बी द ट्रुथ तो उसने सोचा कि इसने बहुत ट्राई कर लिया अच्छे से पूछ लिया गुस्से में पूछ लिया लेकिन उसने सच नहीं बताया इसका मतलब ये बहुत डिफिकल्ट बॉय है ये ईजीली जो है आपकी बात सुनने वालों में से नहीं है ओके द चिल्ड्रन लर्न देयर लेसन बाय नेमिंग थिंग्स दैट वर मोस्ट फेमिलियर टू देम हाउ डिड द आंसर्स ऑफ द क्लास डिफर फ्रॉम शेविशकिन वॉट डज दिस टेल यू अबाउट हिम अब जब मैम नाउंस के बारे में पढ़ा रही थी है ना जब नाउम्स के बारे में पढ़ा रही थी तो बच्चे अपने आस पास की बहुत फमीलियर चीज़ों का नाम ले रहे थे टेबल बुक्स चेयर बोर्ड एक्सेट्रा लेकिन शाउशिन ने बोला विंटर ओक एंड उसका आंसर बाकी बच्चों के आंसर से बहुत ज्यादा डिफरेंट था तो ये आपको शाउश्किन के बारे में क्या बताता है वेल दी अदर्स इन द क्लास रूम नेम्ड ऑर्डनरी थिंग्स व्हील ट्रैक्टर कैट एंड वेल शावेश चॉइस ऑफ नाउन वॉज विंटर ओक और शावुशन ने क्या कहा था विंटर ओक हिज एग्जाम्पल वॉज डिफरेंट बिकॉज नॉट ओनली वॉज इट यूनिक बट इट स्पेसिफिकली डिस्क्राइब द ओक ट्री इन विंटर तो जब उसने विंटर ओक कहा तो एक तो वो बहुत अनयूजअल सी चीज़ थी नॉट ओनली इट वॉज टॉकिंग अबाउट एन ओक ट्री बट इट टॉक्ड अबाउट एन ओक ट्री इन विंटर सीजन दस फ्रॉम हिज चॉइस ऑफ एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड शावशकिन कंसिडर्स द विंटर ओक टू बी इम्पॉर्टेंट इन नफ टू रिकलेक्ट इन अ लेसन तो इससे हमें यह पता चलता है कि शावुष्किन के लिए जो विंटर ओक ट्री है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि यू नो वेन ही वॉज टेकिंग हिज लेसन उसके दिमाग में विंटर ओक आया एंड ही रिकॉल्ड इट इन अ लेसन एंड ही इवन से दैट एज एन आंसर दिस शोज दैट ही हैज अ डीप कनेक्शन विद नेचर इससे हमें यह पता चलता है कि वो विंटर एग ट्री से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इन अ वे यू कैन से कि वो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ओके okay? वाई डिड एना थिंक दैट शाउसिन वॉज लाइंग अबाउट कमिंग लेट टू स्कूल वॉट डिड शी इंटेंड टू डू अबाउट इट एना को क्यों लगा कि वो झूठ बोल रहा है कि वो हमेशा मतलब उसको इतना टाइम लग जाता है जबकि वो एक घंटे पहले निकलता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू एना शी न्यू कि अगर वो हाईवे से आए तो फिफ्टीन मिनट्स में पहुँच जाएगा अगर स्ट्रेट रोड भी लेता है तो आधे घंटे में पहुँच जाएगा तो इसका मतलब वो खेलते हुए आता है या मस्ती करते हुए आता है समथिंग इज रॉन्ग और वॉट डिट शी इंटेंड टू डू अबाउट इट तो उसने क्या सोचा कि वो क्या करेगी सो वॉट डिट शी डू उसने बोला आई विल गो टू योर प्लेस एंड आई विल टॉक टू योर मदर अबाउट इट ठीक है सो लेट्स आंसर सो यहाँ पे है एना एना वॉज श्योर दैट शवुशकिन वॉज लाइंग अबाउट कमिंग लेट टू स्कूल बिकॉज शी न्यू दैट इज हाउस वॉज क्लोजर टू स्कूल क्योंकि उसको पता था कि उसका जो हाउस है वो घर से बहुत पास में है एंड दैट सम ऑफ द अदर स्टूडेंट्स हु वर ऑन टाइम कम्पेयर टू दो स्कीड्स ऐसे और भी क्लास में स्टूडेंट्स थे जिनका घर उससे भी दूर था लेकिन वो टाइम पे आते थे इसका घर काफ़ी पास था पर वो टाइम पे नहीं आता था टू हर माइंड द ओनली रीज़न शाउशिन कु हैव बिन डी लेट वॉज बिकॉज ही स्टॉप टू प्ले एंड दस लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि एक ही रीज़न हो सकता है कि जो शाउशकिन है वो इतना लेट हो गया था उसका वो क्या है बिकॉज ही स्टॉप्ड टू प्ले क्योंकि वो खेलने के लिए रुक जाता होगा और टाइम का ध्यान नहीं रहता होगा और इसीलिए वो हमेशा क्लास में लेट आता है तो उसने इसके बारे में क्या किया शी refused टू इवन consider द idea दैट द चाइल्ड may बी वॉकिंग थ्रू द वुड्स उसने सोचा कि हो ही नहीं सकता कि यह जंगल के रास्ते से आएगा शी डिड नॉट अंडरस्टैंड why ही वुड want टू डू सो उसको लगा कि जंगल से आने का तो कोई मतलब ही नहीं है तो उसने सोच लिया कि अगर ये कह रहा है कि जंगल के रास्ते से आता है तो कोई क्यों आएगा जंगल के रास्ते से जब सीधा सीधा रास्ता है तो और बाकी बच्चे तो सब हाईवे से ही आते हैं तो शी डिसाइडेड कि ये झूठ कह रहा है इन ऑर्डर टू शो हिम दट शी वाइट और उसको यह बताने के लिए कि उसे पता है कि वो झूठ कह रहा है उसने किया कि वो उसकी मदर से मिलेंगी एंड टोल्ड शाउर टू टेक हर अलॉन्ग दाथ दैट ही टूक और उसने कहा ठीक है तुम जिस रास्ते से जाते हो मुझे उस रास्ते से लेके जाओ एंड इन दिस वे शी विल गेट टू नो द ट्रूथ ओके now the next question is we know that in the winter the oak tree protects and provides shelter to hibernating animals and therefore important to them why what way does it help shower skin Why is इट important टू him? हमें पता है जो ये विंटर में जो ओक ट्री होता है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स को एनिमल्स को बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है हाइबर्नेटिंग एनिमल्स को हाइबर्नेटिंग एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जैसे जो इतनी ठंड को अगर बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं सिक्स मंथ्स के लिए अपने शेल्टर में चले जाते हैं एंड वन सन इज आउट तब वो बाहर आते हैं तो ये जो हाइबोनेटिंग एनिमल्स होते हैं इसको भी वो शेल्टर प्रोवाइड करता है शावुश्किन के लिए ये ट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों था द ओक ट्री हेल्प शावुशकिन इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद नेचर शावशकिन के लिए ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो उसको नेचर से एक कनेक्ट फील कराता था दो द ट्री थ्रू द ट्री शावुशकिन इज एबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड बर्ड्स उस ट्री के थ्रू वो बर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाता था एनिमल्स एंड अदर क्रिएटर्स डेट कम टुगेदर इन द डेलिकेट वेब ऑफ़ लाइफ तो एनिमल्स इंसेक्ट्स और जितने भी क्रिएटर्स होते थे जो उस ट्री पे आके रहते थे वो उन चीज़ों को देखता था समझता था उसके लिए एक तरीके से वो एक वेब ऑफ लाइफ था love लव फॉर tree ट्री टेल्स that he has a डीप appreciation फ़ॉर नेचर एंड enjoys spending टाइम इन इट्स midst. अब ये जो शावशकिन जो है उसका जो ये लव है फॉर ट्री वो हमें क्या बताता है कि इट ही has a डीप appreciation फॉर नेचर उसको नेचर वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है नेचर को और उसको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है

क्या करना चाहिए वी शुड ऑल बी सेंसिटिव वो इंस्टिल कर रहा है मतलब वो उसके अंदर सेंसिटिविटी का जो एक ट्रेट है जो एक एक पॉजिटिव क्वालिटी है वो उसके अंदर इंस्टिल कर रहा है मतलब डाल रहा है दैट वी शुड बी सेंसिटिव ऑल द लिविंग क्रिएचर्स एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर ट्री द विंटर ओक ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शवशिन आर वी क्लियर विद द आंसर नेक्स्ट हाउ डिड द वॉक इन द वर्ड्स चेंज द व वे एन अ थाट अबाउट हर सेल्फ अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि ये जो उसने वुड में फॉरेस्ट के थ्रू जो ये वॉक लिया उससे उसकी दो परसेप्शन चेंज हो गए एक खुद के बारे में और एक शवश्किन के बारे में तो क्या हुआ खुद के बारे में क्या चेंज हुआ द वॉक इन द वुड चेंज द वे शी था अबाउट हर सेल्फ इन मैनी वेज अपने बारे में जो वो जिस तरीके से सोचती थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया शी रियलाइज दैट देर वॉज सो मच दैट शी डेंट नो एंड वॉज हम्बल्ड बाय दिस उसको रियलाइज हुआ कि इतनी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जो उसे नहीं पता थी एंड शी वॉज हम्बल्ड बाय दिस कि थैंक गॉड देर आर सो मेनी थिंग्स टू नो

नेचर uh, की होनी चाहिए आप बच्चों को देखते हुए सिचुएशन को देखते हुए आप क्या पढ़ा दें उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपको हमेशा अपना पढ़ाने का तरीका बदलते रहना चाहिए तो उनके जो रिजिड आइडियाज़ थे लर्निंग के और एजुकेशन के वो उनको पढ़ाने में जो एन्जॉयमेंट है उस फीलिंग से रोक रहा था अंडरस्टैंड दिस लाइन

सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने सीखी वो ये थी कि वो एक अच्छी टीचर सिर्फ तब बन पाएंगी जब उन्हें पढ़ाने में मज़ा आएगा जब उन्हें लर्निंग को वो एन्जॉय करेंगी एक काम की तरह नहीं करेंगी तो ये तो था कि फॉर हर उनके अंदर क्या चेंजेस आए अब शवुष्किन के बारे में उनका थॉट कैसे बदला द वर्क इन द वर्ड्स चेंज्ड एनाज परसेप्शन अबाउट शावकिन शी रियलाइज दैट द चाइल्ड वॉज वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स उसने रियलाइज़ किया कि जो छोटा बच्चा है ये अपने अपनी एज से कई ज़्यादा समझदार है मतलब वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स मतलब वो जितने साल का है उससे कई ज़्यादा समझदार है कई ज़्यादा वाइज है शी नाउ वॉज एबल टू अप्रिशिएट द चाइल्ड्स कंपैशन फॉर लिविंग थिंग्स एंड हिज सेंसिविटी टू द वर्ल्ड अराउंड हिम अब वो इस चाइल्ड को कम्प्लेन नहीं कर रही थी अब वो इस चाइल्ड को अप्रिशिएट कर रही थी कि वो नेचर की तरफ जितना वो कनेक्टेड है नेचर से ही इज सो सेंसिटिव ही हैज सो मच ऑफ कंपेशन फॉर लिविंग थिंग्स अराउंड हिम इट मेड हर व्यू हिम एज अ सिटीजन ऑफ द फ्यूचर और उसको लगा यही है सिटीजन ऑफ द फ्यूचर हमारे देश का भविष्य हु कुड बी काउंटेड ऑन टू मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड जो कि शायद हमारे वर्ल्ड में एक चेंज लेके आ पाएगा एक पॉजिटिव चेंज लेके आ पाएगा क्लियर विद द आंसर डन सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे रीड द लाइन्स एंड आंसर दिज क्वेश्चन इट हैड पॉइंट अ वेल बिगन डे वॉट यू थिंक इज एना आइडिया ऑफ अ वेल बिगन डे वाई डिट शी थिंक दैट इट वॉज पॉइंट तो इनिशियली सेवन पैराग्राफ में शी से जैसे शब आता है लेट आता है तो शी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड हर डे मतलब ग्रीटिंग्स हो चुकी थी शी इंट्रोड्यूस द टॉपिक दैट शी वॉज गोइंग टू टीच एंड ऑल एंड सडनली व्हेन ही केम लेट इट्स पॉइल द डे फॉर हर वाई एनाज आइडिया ऑफ अ पहले तो एना के लिए वेल बिगिन डे कैसा होना चाहिए तो एनाज आइडिया ऑफ अ वेल बिगिन डे अपीयर्स टू बी वन वेयर शी टीचेस द लेसन टू अर स्टूडेंट्स हू इट क्विकली उसके लिए एक अच्छा दिन क्या होना चाहिए उसने कोई टॉपिक पढ़ाया बच्चों को सब समझ में आ गया बात खत्म शी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू टेक चार्ज ऑफ अ क्लास कमांड हर स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट एंड हैव देम ओबे हर उसके लिए एक परफेक्ट क्लास वो होगी जहाँ पे शी इज एबल टू टेक द चार्ज ऑफ हर क्लास मतलब उसकी पूरी क्लास जो है वो उसकी बात सुन रही है जहाँ पे बच्चे उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो उनसे अपनी बात मनवा पा रही है दैट इज द आइडिया ऑफ अ परफेक्ट क्लास फॉर हर टिक्यूलर डेम स्पॉइल्ड अब यह दिन उसके लिए स्पॉइल्ड हो गया था बिकॉज लेट लेट आया था प्लान फॉर द क्लास जिसकी वजह से उसकी जो क्लास का जो फ्लो होता है जो प्लान था वो टूट गया था ब्रेक हो गया था ओके okay? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइफ टाइम वॉज टू शॉर्ट टू डिलाइट इन द वडर्स ऑफ द बा ट्रेवल्ड मतलब एक पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी इस ट्रैवल में ये जो वो जहाँ चल रही है जहाँ वो डिफरेंट क्रिएचर्स को देख रही है पेड़ को देख रही है उसको लग रहा है एक जिंदगी कम पड़ जाएगी इसकी ब्यूटी को समझने के लिए इस नेचर को समझने के लिए वट पाथ हैज़ एना डिस्कवर्ड दैट हैज़ हर सो मच जॉय एना को वो कौन सा रास्ता की बात कर रही है ना जिसकी वजह से उसे इतनी खुशी मिल रही है वाई इज इट सो स्पेशल और वो इतना स्पेशल क्यों है वेयर डू यू थिंक दिस पाथ वुड लीड और तुम्हें क्या लगता है ये पाथ उसको कहाँ लेके जाएगा

इस बात के थ्रू उसको ये समझ में आया दैट यू नो लाइफ इज नॉट अबाउट कि आपको कोई चीज़ मिली आपने देखी आप खुश हो गए बात खत्म नो इट इज द आइडिया ऑफ इंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग समथिंग जब आप कोई चीज़ नई चीज़ डिस्कवर करते हो उस प्रोसेस को इंजॉय करना होता है एंड लर्निंग मोर अबाउट इट आपको एक साइकिल मिल गई आपने एंजॉय किया नहीं जब आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो और फिर फाइनली आप उस चीज़ को अचीव करते हो एंड देन यू इंजॉय इट ये पूरा प्रोसेस जो होता है दैट इज़ वॉट गिव्स यू हैप्पीनेस दिस पाथ इज स्पेशल बिकॉज इट डिलइट्स द लर्नर वाइल ऑल्सो टीचिंग दैम दैट मेकिंग श्योर दैट दे विल चेरिश दिस लेसन ऑल देयर लाइफ्स और ये रास्ता इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डिलइट्स द लर्नर मतलब ये लर्नर को खुशी देता है वाइल ऑल्सो टीचिंग दैम और एट द सेम टाइम वो उनको एक लेसन भी सिखाता है ताकि वो लोग इस लेसन को अपनी लाइफ टाइम चेरिश कर पाएं खुश रह पाएं उन्हें ये चीज़ समझ में आ गया है कि खुशी जो है छोटी छोटी चीज़ों में है लर्निंग फन है लर्निंग इज नॉट बोरिंग ओके This path also teaches the learner that the process of learning is not at all difficult and can in fact bring people, the teacher and the learner, immense joy and satisfaction. इस पथ में उस टीचर को ये भी सिखाया कि जो लर्नर है, also teaches the learner, मतलब उसको ये भी सिखाया कि जो ये प्रोसेस है लर्निंग का, वो मुश्किल नहीं है। और इनफैक्ट जो है वो बच्चों को टीचर्स को और जो लर्नर है इन सब के लिए बहुत ज़्यादा जॉय और सेटिस्फैक्शन लेके आ सकता है जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो अगर आप अपनी बुक को अरे यार मुझे तो एग्जाम में आ रहा है मुझे इसलिए पढ़ना है वो सोच के पढ़ोगे आपको कभी एंजॉय उसको कर ही नहीं पाओगे लेकिन जब आप सोचो कि आज मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ आज शायद मैं कुछ नए वोकैबलरी वर्ड सीखूंगा आज मुझे इधर पे आपके घर में अभी आप जहाँ बैठे हो वहां बैठे बैठे आप एक नई दुनिया में ट्रैवल कर रहे हो आपको एक नए लोगों के बारे में पता चल रहा है आपको पता चल रहा है कि वाकई जो है चीजें खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती छोटी छोटी चीज़ों में होती है दिस पाथ कुड लीड द लर्नर टू अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ विस्टम इस पाथ में क्या है यहाँ पे एक ट्रेशर एक ख़जाना है खजाना है खजाना किसका है विजडम का नॉलेज का खजाना है जो कि आपको जिंदगी भर आपके साथ रहेगा ओके okay? अब आते हैं हम ग्रामर पार्ट में ग्रामर पार्ट में लेट सी दीज टू सेंटेंसेस आई डिड नॉट टेक द रूट अलॉन्ग दाईवेट शावुन शावकिन ने कहा कि मैं जो हूँ हाईवे का रूट नहीं लेता हूँ रूट अलॉन्ग द हाईवे अब आपको समझ में आया हमने इन दोनों सेंटेंसेस में क्या किया है ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच ये है मतलब जो उसने कहा वर्ड टू वर्ड हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने उसके वर्ड को रिपोर्ट करते हुए लिखा है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं लेकिन इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको लिंक इसकी शेयर करूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ आप उस लिंक को जाके विजिट करना एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच क्या होती है किस तरीके से आप चेंज करते हो ट्रांसफॉर्म करते हो सारे रूल्स उसमें लिखे हैं एंड ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया गया है सो दो नॉट वरी अबाउट इट इफ़ यू डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट और इन डायरेक्ट स्पीच ठीक है तो हमें यहाँ पे पता है जब हम एक्चुअल वर्ड्स किसी के कहते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच लेकिन अगर हम किसी की बात को रिपोर्ट करते हुए किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं उसको आप रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हो अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन क्या है आपको सारे जो यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं उन्हें रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इनड स्पीच में लिखना है पारोल सेज आई एम गोइंग टू क्लीन माई बुक शेल्फ टूडे अब हमें पता है देर आर सर्टिन रूल्स टू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच सबसे पहले ये है आपका स्पीकर और ये क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टोल्ड ये सब क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब इसके बाद आता है हमेशा एक कॉमा डायरेक्ट स्पीच में एंड जो एग्जैक्ट वर्ड्स सामने वाले ने कहे हैं वो हम हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं अगर तुमने कुछ पूछा है कुछ एक्सक्लेमेशन दिया है जो भी है चाहे वो फुल स्टॉप हो कॉमा हो या क्वेश्चन मार्क हो वो इन्वर्टेड कॉमा के डबल इन्वर्टेड या जो कोटेशन मार्क है उसके अंदर ही आता है ये डायरेक्ट स्पीच में होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं सो so, आप इसमें से ये कॉमा हटा देते हो ये कोटेशन मार्क हटा देते हो पारुल सेड अब आप एक कंजंक्शन ऐड करते हो जिसका मतलब होता है जो ही जो कि है डाट ये हमेशा हल्स में नहीं ऐड होता लेकिन मेजरली ऐड होता है पादुल सेट दैट अब पादुल ने कहा मैं जा रही हूं तो आप इसको क्या बोलोगे पादुल ने कहा वो जा रही थी ओके अगर ये एम गोइंग है तो इसका पास्ट हो जाएगा वॉज गोइंग सो दैट आई अब पादुल ने कहा मैं जा रही हूं नहीं ना पादुल ने कहा वो जा रही थी दैट शी वॉज गोइंग टू क्लीन मेरे मेरे बुक क्लीन करेगी नहीं वो उसका बुक क्लीन करने जा रही थी तो हर बुक शेल्फ टुडे अब टुडे मतलब आज लेकिन अगर मैं बता रही अरे वो बोल रही थी कि उस दिन वो अपना बुक शेल्फ साफ करने जा रही थी उस दिन दैट डे टुडे विल ऑलवेज बी चेंज इन टू दैट डे ओके अब हमारे पास जो क्वेश्चन हैं पहला है अमोल सेड आई हैव टू बाई अ पेयर ऑफ रनिंग शूज अमोल ने कहा मुझे रनिंग शूज खरीदने हैं अब अगर आप बताओगे किसी को तो आप क्या बोलोगे अमोल ने कहा था कि उसको उसको एक पेयर ऑफ रनिंग शूज खरीदने थे राइट right? तो आप क्या बोलोगे अमोल सेड ये क्रॉस हुआ ये क्रॉस हुआ यहाँ आ जाएगा दैट आई की जगह आ जाएगा ही हैव का पास्ट हो जाएगा हैड ही हैड टू बाय अ पेयर ऑफ रनिंग शूज सिमिलरली नेक्स्ट देखो ग्रैंडमा इज गोइंग अवे टू मुंबई फॉर अ मंथ सेड कुमार तो हम बोलेंगे कुमार ने बताया ना आपको ये चीज कि ग्रैंड मा एक महीने के लिए मुंबई जा रही है तो बताने को क्या बोलते हैं टोल्ड या इनफॉर्म्ड तो आप बोलोगे कुमार टोल्ड और कुमार इनफॉर्म दैट दैट की दैट ग्रैंड मा इज गोइंग की जगह हो जाएगा वॉज गोइंग अवे टू तो मुंबई फॉर द मंथ अंडरस्ट क्लियर ये रहे हमारे आंसर्स नेक्स्ट है यू मस्ट नॉट प्लग द फ्लास सेट द गार्डनर टू द चिल्ड्रेन यू मस्ट नॉट प्लक द फ्लार्स सेट द गार्डनर टू द चिल्ड्रेन तुमको फूल नहीं तोड़ने चाहिए अब यहाँ पे क्या होता है जब आप किसी चीज को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो आप प्रोहिबिट कर रहे हो तो आप सिंपली कह सकते हो द गार्डनर प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रेन टू प्लग फ्लार्स प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रेन टू प्लग

राइट दीज सेंटेंसेज इन रिपोर्टेड स्पीच अब है दुलिसमैन सेट प्लीज स्टैंड इन अफ यू टू बाई टिकट अब यहां पर हमको बताया है रिपोर्टिंग वर्क के साथ हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है यू की जगह आ जाएगा दे थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम इफ दे वॉन्ट का पास्ट हो जाएगा वॉन्टेड इफ दे वॉन्टेड टू बाई टिकट ओके अब यहां पर है डोंट क्रॉस दैट बिजी रोड अलोन मदर हैड सेट मदर ने क्या कहा डोंट क्रॉस दैट बिजी रोड अलोन और हमें बोला है टोल्ड मी नॉट टू तो अपन क्या बोलेंगे मदर हैड टोल्ड मी नॉट टू क्रॉस दैट बिजी रोड अलोन हम कैसे बोलेंगे मदर हैड टोल्ड मी नॉट मदर टोल्ड मी की जगह हम बोलेंगे मदर हैड टोल्ड मी नॉट टू क्रॉस द बिजी रोड अलोन नेक्स्ट है वाई डोंट यू गेट सम कोच सेट टू अस अब हमें स्टार्ट करना है कोच सेट की जगह क्या आ जाएगा सजेस्टेड दैट वी शुड द कोच सजेस्टेड दैट वी शुड गेट सम कोच ने सजेस्ट किया कि हमें थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशन इट इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस द डायरेक्टर सेट अब क्या बोलोगे द डायरेक्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड सेट दैट माई बेस्ट परफॉर्मेंस कि वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था अंडरस्टंडो डायरेक्ट और इंडाक्ट स्पीच में ना जब आप कॉन्वर्स मतलब ट्रांसफॉर्म करते हो ना तो कुछ रूल्स को आपको ध्यान में रखना होता है ना इन फाइल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द रूल्स ओवर है तो यह हमारी पूरी जो वीडियो है वो रूल्स में चली जाएगी सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट को विजिट दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ट्रस्ट में ओके

कैप्टन ने बोला कैप्टन जो था उनका उसने चिल्ला बोला ये yes, जो ट्रॉफी है वो उनकी है आज नहीं आएगा देस आ जाएगा ओके okay? अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ना आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं और पैराग्राफ दिया हुआ है इसका ऑपोजिट मीनिंग जो है इस पैराग्राफ में दिया हुआ है तो आंसर्स क्या है केयरफ्री का ऑपोजिट है एंशियस लेशली आराम से का हो जाएगा रैपिडली जल्दीबाजी में

द ओक ट्रीज टूड एज मजेस्टिक एज कैथीड्रल बेसिकली हम सिमिलीज की बात कर रहे हैं सिमिलीज मतलब जहाँ हम दो चीजों को कम्पेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड एज ऑ लाइक यहाँ पे हम एना को एक स्कूल गोल से कम्पेयर कर रहे हैं और यहाँ हम ओक ट्री को एक कैथीड्रल एक चर्च से कंपेयर कर रहे हैं सो यूज दिस सिमिलीज एंड राइट सेंटेंसेज एज सजेस्टेड यूज ब्लेजिंग लाइक अ बीटरूट टू डिस्क्राइब हाउ यू लुक आफ्टर यू प्लेड ऑल डे इन द सन सो ब्लेजिंग लाइक अ बीटरूट तुम्हें यूज करना है और तुम्हें बताना है तुम दिन भर खेल रहे थे तो तुम कैसे लगोगे हमने इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया है आफ्टर प्लेइंग इन द सन ऑल डे आई वॉज ब्लेजिंग लाइक अ बीट्रूट मतलब मैं एक बीट्रूट की तरह जो चुकंदर की तरह लाल हो गया था यूज ग्लिटरिंग लाइक सिल्वर थ्रेड टू डिस्क्राइब अज इट रैन डाउन अ माउंटेन Like मतलब चांदी के धागे की तरह चमकना तो ये जो है एक रिवर जो है वो माउंटेन से नीचे गिर रही है तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं द रिवर जैंड ऑन द माउंटेन ग्लिटरिंग लाइक सिल्वर थ्रेड उसके बाद नेक्स्ट क्या है यूज लाइक अ की टू अ मैजिक कैस्केट टू डिस्क्राइब योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉन्सलेशंस इन द नाइट स्काई तो ये मैंने इसी में यही यूज़ किया है कि पहली बार जैसे आपने कॉन्सुलेशंस देखे आपको कितना अच्छा है आपके पास एक टेलीस्कोप है आप कॉन्सलेशंस देख रहे हो तो इट इज़ लाइक फाइंडिंग अ की टू अ मैजिक कैस्किट तो आप क्या बोलोगे माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉन्सलेशंस इन द नाइट स्काई वॉज लाइक अ की टू द मैजिक कैसेट वॉज लाइक फाइंडिंग अ की was like finding a key to the magic casket okay now use these words to make similes of your own a sentence banana just say as quiet as a mouse or uh, as quiet as a uh, butterfly so loud so as loud as a loudspeaker or as loud as crow or as loud as my teacher एज प्राउड एज एज प्राउड एज अ क्वीन और एज प्राउड एज रोज फ्लार तो अब हम इसके सेंटेंसेज बनाएंगे जैसे एज क्वाइट एज अंटर्ड द रूम एज क्वाइट एज अस लाउड एज लाउड एज ट्रम्पट यू नो भूपू सो माई टीचर इज एज लाउड एज अ ट्रम्पट प्राउड एज प्राउड एज अ रोज फ्लार शी इज एज प्राउड एज अ रोज फ्लार फॉर हर ब्यूटी And we are done with this chapter. Thank you so much for being with me. Did we understand the questions? I hope we did. If you have any doubts, you can please write it in the comment section. And where will you find all these videos? Very easily. Very easily you will find them on our website, magnetbrains.com. What you have to do is you have to just click on the class and select the subject, then select the topic that you wish to study or aapka video start. Ho that's it. Simple, right? Do not forget to like, subscribe, and share. Please take care of yourself. I'll see you soon in my next video. Bye bye.